बिहार में जमुई के डीएम की पत्नी उन्हीं के खिलाफ धरने पर बैठ गई है। पत्नी का आरोप है कि उन्हें पति के घर में घुसने नहीं दिया। डीएम की पत्नी ने कहा कि ससुराल वाले आरोप लगाते हैं कि मैं हमेशा छोटे कपड़े पहनती हूं और अंग्रेजी में बात करती हूं। बिहार में जमुई जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की पत्नी वत्सला सिंह अपने पति के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं। वत्सला अपनी माँ के साथ बुधवार को जमुई पहुंची और जब वो जिलाधिकारी के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी तब वहां पर सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसी के विरोध में वत्सला अपने जिलाधिकारी पति के विरोध में वहीं धरने पर बैठ गई। हालांकि 24 घंटे के ड्रामे के बाद आखिरकार जमुई डीएम धर्मेंद्र कुमार की पत्नी जो उनके आवास पर धरने पर बैठी थी उन्हें वहां से पुलिस ने हटा दिया है। दरअसल 2013 बैच के आईएएस धर्मेंद्र कुमार और उनकी 26 वर्षीय पत्नी वत्सला सिंह के बीच वैवाहिक विवाद काफ़ी समय से चल रहा है। दोनों की शादी 11 मार्च 2015 को हुई थी। शादी के 2 साल के अंदर ही मियाँ बीवी के बीच विवाद इतना बढ़ चुका है कि तलाक की नौबत आ चुकी। इसी साल मार्च महीने में धर्मेंद्र कुमार ने पटना के परिवार कोर्ट में वत्सला से तलाक के लिए अर्जी भी दायर की जिस पर सुनवाई चल रही है। जमुई में अपने पति के घर के बाहर धरने पर बैठी वत्सला सिंह का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनके पति ने उन्हें तलाक देने के लिए किस कारण अर्जी दी है। वत्सला का आरोप है कि वो अपने पति के साथ रहने की कोशिश कर रही हैं मगर इसमें उनके पति धर्मेंद्र कुमार साथ नहीं दे रहे हैं। कहा कि दोनों के बीच विवाद सुलझाने के लिए परिवार कोर्ट समेत राष्ट्रीय महिला आयोग ने परामर्श के लिए बुलाया मगर वो प्रस्तुत नहीं हुए। हालांकि जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र कुमार ने इस पूरे मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है इसलिए वो केवल कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने वत्सला पर प्रताड़ना का भी आरोप लगाया। वत्सला के साथ उनकी माँ भी धरने पर बैठी हुई है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.